जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सुपर स्टडी यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं आपके इंडियन जीडीएस है ना, जीडीएस के अंतर्गत जो आपके वैकेंसी आई हुई है लगभग 10,000 से ज़्यादा वैकेंसी आई हुई है, उस फॉर्म को किस प्रकार से आपको स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करना है। ठीक है, बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं फॉर्म भरते समय काफ़ी ज़्यादा गलती कर देते हैं, इसकी वजह से उनका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा किस प्रकार से आपको फॉर्म फिलअप करना है, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको फॉर्म फिलअप करके बताऊँगा। ठीक है, पेमेंट किस प्रकार से करना है, सबमिट किस प्रकार से करना है, सभी चीज़ों को इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा पल-पल के अपडेट के लिए, इससे संबंधित मैं पल-पल के अपडेट आप लोगों तक पहुंचाते रहूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों ये जो लिंक आप लोगों के सामने दिख रहा है, ये जो पेज दिख रहा है, इस पेज का मैं डायरेक्टली जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उस लिंक पर क्लिक करके आप क्या कीजिएगा इस पेज पर आ सकते हैं और मोबाइल्स के माध्यम से भी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। जी हाँ, मोबाइल के माध्यम से भी आप फिलअप कर सकते हैं या फिर कैफे वाले से भी आप फिलअप करवा सकते हैं, लेकिन कैफे वाले से भी करवाते हो तो उस समय आप लोगों को अगर आपने वीडियो को अच्छे से देखा है तो आप लोग जो है उसको बता सकते हैं किस प्रकार से फॉर्म फिलअप करना है। ठीक है, अधिकतर कैफे वाले ही गलती कर देते हैं हमारे फॉर्म फिलअप करने में। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, ठीक है, सबसे पहले आपको यहाँ पर जो है अपना नाम जो डालना है जो कि अकॉर्डिंग 10वीं के मार्कशीट के। ठीक है, तो 10वीं के मार्कशीट के अनुसार मैं यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप आपको फॉर्म जो है फिलअप करके बता देता हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको नाम डालना है, मैं यहाँ पर नाम डाल दे रहा हूँ, है ना, देखेंगे यहाँ पर मैं नाम डाल दे रहा हूँ। ठीक है, जो भी आपका नाम है अकॉर्डिंग 10वीं मार्कशीट, ठीक है, जो भी नाम है पिताजी का नाम, ठीक है, उसके बाद आपका मोबाइल नंबर डाल देना है। ठीक है, जो भी मोबाइल नंबर है, ठीक है, मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ चूज़ कर लीजिएगा, डेट ऑफ बर्थ जो भी है। ठीक है, जिस प्रकार से मैं कोई भी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर चूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, आप लोगों को सिर्फ मैं यहाँ पर बता रहा हूँ किस प्रकार से आपको फॉर्म स्टेप बाय स्टेप करना है। यहाँ पर मेल फीमेल चेक कर लीजिएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर आपको क्या है ओबीसी है या फिर आप जो है जनरल है या एससी है या एसटी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ओबीसी चूज़ कर ले रहा हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, इसमें नो कर देना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है आप इसके संबंधित नहीं है। ठीक है, तो नो कर देना है, उसके बाद यहाँ पर जो है ये ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं आएगा। ठीक है, दूसरी चीज़ आप नीचे अब जब आएंगे तो यहाँ पर आपको जो है या क्या पूछा है 10वीं क्लास पास, मतलब आप 10वीं क्लास जो पास किए हो किस स्टेट से किए हैं। ठीक है, तो जो भी स्टेट से, तो मैं यहाँ पर मध्य प्रदेश चूज़ कर लूँगा। ठीक है, मध्य प्रदेश चूज़ करने के बाद आपको यहाँ पर पूछा जाएगा कि मध्य प्रदेश से कौन से बोर्ड से आपने चूज़ किया। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिएगा आपके जो है 10वीं में जो टोटल मार्क थे कितने थे। ठीक है, तो अधिकतर जो थे सभी के 600 थे। ठीक है, 600 10वीं का जो होता है 600 मार्क होते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है आपने किस वर्ष जो है 10वीं पास किया था। ठीक है, तो किस वर्ष किया था, तो एग्जांपल के लिए यहाँ पर 2010 अगर है तो 2010 कर लीजिएगा। ठीक है, फोटो चूज़ करने के लिए आपके सामने आएगा, तो यहाँ पर फिर फोटो चूज़ करना है। ठीक है, तो फोटो चूज़ आप सीधा लैपटॉप या फिर आपके मोबाइल से जो है फोटो चूज़ कर लेते, एग्जांपल के लिए मैं ये फोटो चूज़ कर ले रहा हूँ। ठीक है, फोटो चूज़ आपके देख सकते हैं यहाँ पर फॉर्मेट जीपीजी फाइल में होना चाहिए। ठीक है, जो कि 50 KB से लेकर जो है 200 इसके बीच होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपकी फ़ोटो आप मोबाइल से अगर फॉर्म भर रहे हैं और आपकी फ़ोटो ज़्यादा जी इसकी है तो अगर आप कम करना चाहते हैं तो उसके लिए मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ किस प्रकार से कम करना है। ठीक है, जीपीजी रीडर के नाम से जो है आप यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, देख लीजिए जेपीजी आपके काम भी आ सकता है, जेपीजी रीडर। ठीक है, तो यहाँ पर जेपीजी रिड्यूसर के नाम से आपका एक सर्च आता है। ठीक है, तो वहाँ पर आप क्लिक कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट वाली जो वेबसाइट आती है वहाँ पर आप यहाँ पर फोटो सिलेक्ट कर लीजिए, जो भी फोटो का साइज़ आपको छोटा करना है। एग्जांपल के लिए मैं इस फोटो का साइज़ छोटा करने वाला हूँ। ठीक है, इस फोटो का साइज़ अगर छोटा करूँगा तो देखिए ये अभी वर्तमान में 78 KB का है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखा जाएगा कितना आपका वेट है, कितना क्या है, और क्वालिटी अगर आप कम करते हैं तो यहाँ पर रिसाइज अगर आप करेंगे तो आपके सामने ये दूसरा फाइल ओपन हो जाएगा। ठीक है, दूसरा फाइल आपका कम इसमें हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका 35 KB में बन चुका है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसे डाउनलोड करके जो है आप फिर से ये कर सकते हैं। तो फिर से मैं आपके रजिस्ट्रेशन के नंबर जो है इसके ऊपर आ रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ये आपका सिग्नेचर होता है, सिग्नेचर को यहाँ पर आप पोस्ट कर लीजिएगा, जो भी आपका सिग्नेचर है। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर सिग्नेचर लेके चल रहा हूँ। ठीक है, तो जो भी आपका सिग्नेचर है उसको आप यहाँ पर फिल कर दीजिएगा, है ना। सिग्नेचर फिल करने के बाद आपके सामने दूसरा पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका KB कम ज़्यादा है तो इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, मैंने आप लोगों को जैसा कि बताया है उस प्रकार से आप जो है यहाँ पर जीपीजी रीडर में जाकर अपना जो है फोटो का साइज़ या फिर सिग्नेचर का साइज़ जो है कम ज़्यादा कर सकते हैं। जी हाँ, तो यहाँ पर मैंने फ़ोटो और जो सभी चीज़ें जो है अपलोड कर दी है। ठीक है, इससे पहले मैंने वीडियो बना दिया है जो कि आपके मतलब किस प्रकार से क्या क्या चीज़ें हैं ऑनलाइन फॉर्म में, है ना, उसके बारे में, और ये जो वीडियो है आपकी जो ऑनलाइन फॉर्म किस प्रकार से भरना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप कैप्चा डालिएगा किस प्रकार से कैप्चा दिया हुआ है। ठीक है, तो मैं कैप्चा फिल कर देता हूँ। ठीक है, इस प्रकार से आप कैप्चा डाल लीजिएगा, अगर कैप्चा आपको स्पष्ट न दिखे तो रिफ्रेश कर दीजिएगा। ठीक है, फिर यहाँ से जो है यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिएगा दोनों पर। ठीक है, दोनों पर आप क्लिक करने के बाद आपके सामने एक पेज हो जाएगा ओपन। ठीक है, तो यहाँ पर एक बार देख लीजिएगा सबसे पहले आपने सही सही डाला है या नहीं। ठीक है, मोबाइल नंबर वगैरह सभी लोग डाल दीजिएगा, तो मैं यहाँ पर एक मोबाइल नंबर डाल देता हूँ जो कि है ना जो भी है। ठीक है,
तो ये मोबाइल नंबर इस प्रकार से डाल दीजिएगा और यहाँ पर बाकी सभी चीज़ें चेक कर लीजिए एक बार फॉर्म सबमिट करने से पहले, ठीक है। तो यहाँ पर आपके सामने एक जो है एक सामने नीचा दिया हो जाएगा सबमिट डिटेल्स, ठीक है। तो सबमिट डिटेल्स पर आप क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है। तो सबमिट डिटेल्स पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक दूसरा पेज ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर दूसरा पेज ओपन हो चुका है, ठीक है। तो आपका जो मोबाइल नंबर आप लोगों ने वहाँ पर फिल किया था, ठीक है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मोबाइल नंबर आप लोगों को वहाँ पर फिल करना है। मोबाइल नंबर आप जब फिल करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर एक जो है रजिस्ट्रेशन नंबर भेजा जाएगा इंडिया पोस्ट GDS के माध्यम से, है ना। तो एक ऑफिशियली आपको जो है आपका नंबर भेजा जाएगा, किस प्रकार से नंबर रहेगा, जो भी आपका नंबर रहेगा, ठीक है, उस प्रकार से आपको नंबर भेज दिया जाएगा, ठीक है। उस नंबर को यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन नंबर जो रहेगा उस पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है यहाँ पर फिर जो है मेक पेमेंट, ठीक है। इसके बाद की जो स्टेप है वो है पेमेंट की, जी हाँ, पेमेंट का ऑप्शन आपके सामने आएगा। तो पेमेंट आप किस प्रकार से कर सकते हैं, आपका जो ATM होता है ना, ATM के माध्यम से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। तो ATM डाल दीजिएगा, ATM नंबर, ठीक है, CVV कोड, जो भी चीज़ें होती है सभी चीज़ें यहाँ पर डाल लीजिएगा, ठीक है। तो मैं इस स्टेप को आगे बढ़ा देता हूँ, ठीक है। तो इस पेमेंट पे आप मेक पेमेंट पे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने दूसरा पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। उसके बीच में दोस्तों एक आपके सामने एक ऑप्शन आएगा, ठीक है, किसका, चूस जो है रेफरेंस, जो पोस्ट चूज करने के लिए एक पोस्ट आती है, ठीक है। जैसा कि हमने फॉर्म जो है भर दिया है, ठीक है, फोटो भी अपलोड कर दी है, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स जो मांगा था, उसके बाद की जो स्टेप होती है उसमें आपका क्या पूछा जाता है, वहाँ पर आपकी कौन सी पोस्ट है, ठीक है। तो आप पोस्ट चूज कर लीजिएगा, है ना, 1, 2, 3, 4 जो भी आप जिस स्टेट में नौकरी करना चाहते हैं उस स्टेट की पोस्ट चूज कर लीजिएगा, ठीक है। स्टेट सिलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा। तो पोस्ट चूज करने के बाद, ठीक है, यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ पर पोस्ट चूज करने के बाद इस प्रकार का जो पेज अभी ओपन हुआ है, ठीक है, इसी प्रकार का आपके सामने एक पेज ओपन होगा, ठीक है। तो मैं इस पेज को फिर से रिफ्रेश कर लेता हूँ, ठीक है। तो देखिए ये अभी पेज इसी प्रकार का है, तो यहाँ पर फिर से जो है आप जैसे ही पोस्ट चूज करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या कीजिएगा, देखिए यहाँ पर सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दीजिएगा एक बार फिर से, है ना। और यहाँ पर जो सर्कल चूज करने के लिए बोला जाएगा आप लोगों को, ठीक है, यहाँ पर जो है सर्कल चूज करने के लिए बोला जाएगा। तो आप किस सर्कल से जो है करना चाहते हैं, है ना, असम, ठीक है, कौन कौन से राज्य, असम, बिहार, गुजरात, कर्नाटक, केरल और पंजाब, इन्हीं राज्यों के लिए यहाँ पर वैकेंसीज है, ठीक है। अदर स्टेट से है आप तो भर सकते, कोई दिक्कत नहीं है फॉर्म, लेकिन इन्हीं राज्यों में आप लोगों को नौकरी चूज करनी होगी, तो ठीक है। तो आप जिस सर्कल को चूज करना चाहते हैं उस पर क्लिक करके जो है फाइनल सबमिट कर दीजिएगा, ठीक है। अब फाइनल आप सबमिट करते हैं तो आपके सामने जो है आपका एप्लीकेशन फॉर्म विथ डिटेल्स के साथ पूरा जो है यहाँ पर जिस प्रकार से आपने डिटेल्स भरा था उसी डिटेल्स के साथ आपके सामने जो है फॉर्म ओपन हो जाएगा। उस फॉर्म का प्रिंट आप रख लीजिएगा और आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर आप लोगों को मोबाइल नंबर के द्वारा दिया जाएगा उस रजिस्ट्रेशन नंबर को आप अपने पास संभाल कर रख दीजिएगा, ठीक है। दोस्तों उम्मीद है आप लोगों को सभी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप समझ में आ गई होगी, ठीक है। ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है इस फॉर्म में, है ना, ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं है, है ना। तो ये आप लोगों को बाकी सभी चीज़ें समझ में आ गई है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, अच्छी न लगी तो डिसलाइक कर दीजिएगा। वीडियो को जो है लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों इसकी जो जितनी भी जानकारी आप लोगों को अपडेट आती है मैं सभी चीज़ें आप लोगों तक प्रोवाइड कराते रहूँगा। तो नोटिफिकेशन बेल को जब से दबा लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।